जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है, उनके कत्ल पे मैं भी चुपका, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप से चुपो अगला नंबर। इस देश के 90% लोग खमेरा लोग, 10% लोग लुटेरा लोग हैं, जो 90% के श्रम को कर्म को वहां पर लूटने का काम करते, जो श्रम करेगा उसी में शोध करने का विवेक होगा ना, जिसने जीवन में कोई श्रम ही नहीं किया उसका बुद्धि काम नहीं करती। जैसे संविधान खत्म हुआ है हमें अंदाजा नहीं लग पा रहा, वैसे ही शिक्षा बिक गई है, और इस बात को ध्यान समझने में शायद अगले 10-15-20 साल लगेंगे, मगर तब आपके पास पहचान लेंगे, क्योंकि मेरी नौकरी रहे या जाए, मैं कर्मों को से बचूं या न बचूं, इससे ज्यादा बड़ी चिंता मेरी यह है कि इस मुल्क का आईन, इस देश का संविधान बचेगा या नहीं बचेगा, डॉक्टर अम्बेडकर और फूले के सपनों का भारत बचेगा या नहीं, इसलिए हम आपके बीच में बोल रहे हैं। और इस आयोजन में जो स्वागत हुआ, मैं वहीं से अपनी बात शुरू करूंगा। केवल विषय में ही चिंता भारत के संविधान की नहीं है, हमें भेद में भी भारत का संविधान दिया गया है, इसलिए मैं आयोजकों को बहुत बधाई देता हूं कि आप वाकई एक वैचारिक आयोजन का हिस्सा बन गए। और उसके साथ डॉक्टर अंबेडकर का 25 नवंबर 1949 का दिया गया वो भाषण, जिसके बाद इस संविधान को अंगीकृत कर लिया गया था, उस भाषण को इसलिए भी पढ़ा जाना चाहिए कि डॉक्टर अंबेडकर ने कुछ चिंताएं भी वहां साझा की हैं। वो चिंता इस बात की थी कि जो संविधान हम आपको सौंप कर जा रहे हैं वो ऐसा नहीं है कि वो उसमें कोई कमी नहीं है, उसके लागू हो जाने के बाद सारी तस्वीर बदल जाएगी। डॉक्टर अंबेडकर अपने उस उद्बोधन में कहते हैं, कोई संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसे लागू करने वाले लोग अच्छे ना हुए तो संविधान का कोई अहमियत नहीं बचेगी, वो कागजों का पुलिंदा मात्र बचेगा। मुझे नहीं पता कि मुझे भारत के संविधान को आज कागजों का पुलिंदा मात्र कहना उचित है या नहीं, मगर इस बात को मैं दावे से कह सकता हूं कि जिन भी खतरों को डॉक्टर अंबेडकर ने उस भाषण में 1949 में इशारा किया था, वो खतरे हमारे सामने आकर खड़े ही नहीं है। उन्होंने संविधान को तहस नहस कर दिया है, केवल उसकी घोषणा नहीं हुई है। अब संविधान को बिल्कुल हटाकर आपके सामने ये घोषणा थोड़ी की जाएगी कि आज से मनुस्मृति का संविधान लागू है, लेकिन संविधान खत्म हो गया है इस बात को इस तरह से समझिए जो अभी नवीन बोल रहे थे कि जितने भी गुनाह हुए उसमें न्याय किसके पक्ष में हुआ। शंकर बिगहा, लक्ष्मण प्रभा थे, उस पूरी फेहरिस्त में मैं कुछ और नाम जोड़ देना चाहता हूं। रोहित वेमुला की सांस्थानिक हत्या के बाद कौन जेल में है? पायल तड़वी की सांस्थानिक हत्या के बाद कौन जेल में है? प्रोफेसर हैनी बाबू, प्रोफेसर आनंद तेलतुंबड़े आज जेल में है, अभी तक उनका गुनाह साबित नहीं हुआ है। कहां है भारत का संविधान? जंतर मंतर पर दिल्ली में संसद से चंद कदम की दूरी पर संविधान की प्रतियां जला दी गई, कौन जेल में है? इस देश में धर्म संसद के नाम पर घोर अधार्मिक और संविधान विरोधी भाषण दिए गए, कौन जेल में है? इस देश में उसी दिल्ली में भगवा संविधान बनाकर सेमिनार करके उसका
विमोचन किया जा रहा है कि जब आरएसएस के 100 साल पूरे होंगे 2025 में, तो हम इस संविधान को बदलकर अपना मूल संविधान लागू करेंगे। कौन उस कार्रवाई में जेल में गया? इस देश में राम मंदिर पर फैसला आज सुनाया गया, कल वो जज राज्यसभा की सदस्यता लेता है, कहां संविधान बचा है? इस देश में जितने भी घोर संविधान विरोधी काम आप करें, आप जेल में नहीं जाएंगे, मगर आप अगर सवाल करेंगे तो आप जेल जाएंगे, आप गोली मारे जाएंगे, आपको आवाज को दबाया जाएगा। इसलिए इस मंच पर मुझे सबसे पहले बाबू जगदेव प्रसाद याद आते हैं, जिनकी आवाज को दबाने का काम इसी बिहार में हुआ था। संविधान के खात्मे की घोषणा नहीं हुई है और हम और आप अभी उस संविधान की जो बहुत थोड़ी सी चीजें लागू हैं उसकी वजह से यह आयोजन कर पा रहे हैं। बस इतना ही संविधान बचा हुआ है कि हम आलोचना कर पा रहे हैं। इसलिए इस आयोजन में मीडिया पर जो बात रखनी थी वो हमारे पूर्व के तीनों वक्ताओं ने रख दी, चाहे सुमित जी ने जो बात करी हो कि भाई आप टीवी देखना बंद कर दीजिए। हमारे अकबर इलाहाबादी ने एक शेर लिखा, खेचो न कमानो को न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबल हो तो अखबार निकालो। एक उम्मीद थी उन्हें कि जब तोप से मुकाबला है, तलवार से मुकाबला है, तो अखबार निकाल करके हम कलम से उसका मुकाबला कर सकते हैं। आज हमारे दौर में कलम और किताब पर पाबंदी लगा करके हमारे नौजवानों के हाथ में त्रिशूल और तलवार बांट करके उन्हें दंगाई बनाया जा रहा है, और उस पर बैठकर हमारे देश में वो जो सो कॉल्ड मेनस्ट्रीम मीडिया है वो दिन रात डिबेट करके ये साबित करना चाह रही है कि ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बन चुका है। कहीं लिखा मैंने पढ़ा था कि कल तक छप कर जो बिका करते थे अखबार वो अब बिक करके छपते हैं, वो बिक चुके हैं पहले ही। कलम और किताब पर बंदूक का पहरा है। कलम खरीद ली गई, बहुत पहले कविता मैंने पढ़ी थी, मैं साहित्य का विद्यार्थी हूं, जो बातें पूर्व के वक्ताओं ने कही है उसे अपनी ही शैली में आपके सामने रखना चाहता हूं। अमन बेच देंगे, चमन बेच देंगे, सुकून बेच देंगे, गगन बेच देंगे, कलम के सिपाही अगर सो गए तो वतन के सिपाही वतन बेच देंगे। वो जो कलम के सिपाही में एक भरोसा इस मुल्क ने अपना दिया था, पीढ़ियों पीढ़ियों से जिनके हाथों को श्रम करने के लिए मजबूर किया गया, कलम पकड़ने से रोका गया, जिनकी पीढ़ियां खप गई इस दुनिया को रहने लायक बनाने में, जितनी जातियां बनाई हमारे देश में वो जातियां पेशे से जोड़ दी, लेकिन वो पेशे कौन लोग करते थे? कुम्हार, लोहार, बढ़ई, नाई, मोची, मल्ला, निषाद, तमाम वो जातियां, कृषक, कामगार, श्रमजीवी जातियां, जिन्होंने अपने श्रम से इस दुनिया को रहने लायक बनाया, वरना ये दुनिया रहने लायक नहीं थी। इस काम को करने में बड़ी मेहनत लगी, शोध किया। एक धोबी शोध करता है कि कैसे धूल के एक प्रकार से भी कपड़ा साफ किया जा सकता है। एक कुम्हार, एक लोहार, एक नाई, मोची अपने पेशे में अनवरत हजारों साल से शोध किया उसने, ताकि वो और बेहतर ढंग से इस दुनिया को अच्छा बना सके। एक किसान शोध करता है कि वो कैसे और बेहतर फसलें पैदा कर सके, मगर जब ये मुल्क आजाद हुआ और एक आधुनिक भारत बनना शुरू हुआ तो इस मुल्क को तो नया बनना था, जनता का जनता पर जनता द्वारा शासन, और उसमें ये भरोसा किया गया था कि हम बराबरी की दुनिया बनाएंगे, हम इस देश को समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व पर आधारित करेंगे।
तो इसकी जिम्मेदारी जिन दो बड़ी संस्थाओं पर थी उनमें एक है मीडिया और दूसरा मैं मानता हूं कि विश्वविद्यालय, शिक्षा जगत, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन। उन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन को सबसे पहले वैसा बनाया जाना था जैसा आप एक देश बनाना चाहते थे, यानी वहां सबको बराबर का हक मिले। एक मैं विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं, हालांकि अभी टेम्परेरी प्रोफेसर हूं, जैसे कैनरा बैंक के लोग भी कभी कभी डरते तो होंगे ही कि कहीं यह भी बैंक बेच न दिया जाए। कल्पना करिए कि इस देश में कभी आप गर्व से कहते थे कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना एक बड़ी बात थी, और आज बैंकों को बेचना बड़ी बात हो गई है। कहां से चले थे और कहां पहुंच गए, वैसे ही जैसे आपके बैंक बिक रहे हैं। हो सकता है नवाज देवबंदी का शेर है, जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है, उनके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। हमने किसी और के लिए लड़ाई लड़ी ही नहीं, फिर हम अपनी लड़ाई कैसे जीत जाएंगे। बैंक बिकते रहे, कोई आंदोलन नहीं हुआ इस देश में। इस देश में शिक्षा बेच दी गई है और इस समय कोई आंदोलन नहीं हो रहा है। मेरी चिंता यहां पर है, नई शिक्षा नीति ने इस देश के स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को पूरी तरह से निजी हाथों में बेच दिया है। जैसे संविधान खत्म हुआ है हमें अंदाजा नहीं लग पा रहा, वैसे ही शिक्षा बिक गई है, और इस बात को भी हमें समझने में शायद अगले 10-15-20 साल लगेंगे, मगर तब आपके पास बचाने के लिए कुछ नहीं होगा। तो वैसे ही मैं टेम्परेरी प्रोफेसर हूं, मुझे नहीं पता कि जितना आप लोग सम्मान देते हैं उतना ही दूसरी तरफ से विशेष प्रकार का सम्मान मिलता है, और उस विशेष प्रकार से सम्मानित किए जाने का नतीजा यह होगा कि मैं अब एक स्थायी प्रोफेसर बचूंगा या नहीं बचूंगा, मेरी नौकरी रहेगी या नहीं, इसका कोई अब भरोसा ही नहीं। नौकरी छोड़ के लोग बैठे, मैं तीनों लोग जो मीडिया के आप लोगों ने बुलाए, मैं एक बात कहना चाहता हूं आयोजकों को, मेरे हिसाब से मीडिया पर बात करने के लिए ये एक शानदार पैनल आपने चुना है, इन्होंने वहां की नौकरियों को लात मारा और आपकी आवाज बनकर के आपके सामने बोला। हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मेरी नौकरी रहे या जाए, मैं कल को प्रोफेसर बचूं या न बचूं, इससे ज्यादा बड़ी चिंता मेरी यह है कि इस मुल्क का आईन, इस देश का संविधान बचेगा या नहीं बचेगा, डॉक्टर अंबेडकर और फूले के सपनों का भारत बचेगा या नहीं। इसलिए हम आपके बीच में बोलने आए, हम ये जानते हैं कि इसकी कीमत चुकानी पड़ती है और लोग चुका रहे हैं। इसलिए जब हम आपके सामने ये बात रख रहे कि जैसे मीडिया वैसा नहीं बन पाया जैसा आजाद भारत के मीडिया को होना था, वैसे इस देश के विश्वविद्यालय और स्कूल नहीं बन पाए जैसा उन्हें होना था, और इसलिए जब मैंने आईटीआई लगाई, 1 जनवरी 2020 तक का आंकड़ा बता रहा है कि इस देश के 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में एक भी प्रोफेसर ओबीसी का नहीं, कैसा देश आपने बनाया। इस देश के 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के 97-99% पोस्ट जो एससी एसटी और ओबीसी की थी वो आज भी खाली रखी गई, उस पर अपॉइंटमेंट ही नहीं हुआ। कौन लोग थे जो ये नहीं करना चाह रहे थे? ये वही लोग थे जो शिक्षा की अहमियत जानते थे, इसलिए उन्होंने हमारे लोगों को शिक्षा से दूर रखा। और इसलिए मैंने ये बात कही कि जिन जातियों ने श्रम करके, शोध करके इस दुनिया को रहने लायक बनाया, खूबसूरत बनाया, उन्होंने जब अपना विश्वविद्यालय बनाया तो उन विश्वविद्यालयों में शोध करने वाले बुद्धि विवेक को, तर्क विज्ञान को उन विश्वविद्यालयों से बाहर रखा, और जिन लोगों ने श्रमजीवियों के श्रम पर केवल जीवन जिया परजीवी की तरह, चौधरी छोटू राम कहते थे इस देश के 90% लोग खमेरा लोग हैं, 10% लोग लुटेरा लोग हैं, जो 90% के श्रम को, कर्म को वहां पर लूटने का काम करते हैं। इसी को अर्जक संघ ने कहा कि ये 90% अर्जक लोग हैं जो अर्जित करके अपना जीवन जीते, इस दुनिया को चला रहे हैं, और 10% लोग तो अनर्जक लोग हैं। और उन विश्वविद्यालयों पर उन जातियों को उन्होंने बाहर रखा,
जिन्होंने हजारों साल से श्रम करके इस दुनिया को खूबसूरत बनाया। जो श्रम करेगा उसी में शोध करने का विवेक होगा ना। जिसने जीवन में कोई श्रम ही नहीं किया उसका बुद्धि काम नहीं करेगी। इसलिए जिनकी बुद्धि का काम सबसे कम था उन्होंने अपने को सबसे बुद्धिमान कहा, और वो कहे कि जो ब्रह्म का ज्ञानी होगा वो ब्राह्मण होगा। कल्पना करें, विरोधाभास देखिए इसका। इसलिए मेरी चिंता यह है कि वो जो लोकतंत्र के पहरुए थे वो फैज अहमद फैज की एक नज्म है कि ये दाग दाग उजाला ये सब गजीदा शहर, ये वो शहर तो नहीं जिसका हमें इंतजार था, ये वो भारत तो नहीं जैसा हमारा भारत लोग बनाना चाहते। इसलिए मुझे लगता है, मैं जब कविताओं की बात कर रहा था, इस देश में जमहूरियत की बात कर रहा था, इस देश में साझा शहादत से बना हुआ साझा विरासत की बात कर रहा था, तो मुझे याद आता है अभी आज ही मैं बैठा था तो इस देश का गृह मंत्री का बयान आया है कि हमें इतिहास फिर से लिखने से कोई रोक नहीं सकता। मैं सोचने लगा कि जिन्होंने इतिहास बनाया ही नहीं वो इतिहास लिखेंगे तो क्या लिखेंगे। महाभारत काल में इंटरनेट था, गणेश जी पहली प्लास्टिक सर्जरी थे, यही सब तो लिखेंगे। और इस देश के निजाम की कहानियां उन इतिहास की किताबों में लिखी जाएंगी कि हम नाली के गैस से चाय बनाया करते थे, बादल आ जाए तो रडार काम नहीं करता था, यही तो कामयाब लिखेंगे। क्योंकि इस देश में हरियाणा से लेकर मध्य प्रदेश और उत्तराखंड तक कई जगहों पर स्कूलों कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के सिलेबस बदले जा रहे हैं। अब उस सिलेबस बदलने में एनसीईआरटी ने सिलेबस बदल दिया, सिलेबस बदल करके वो क्या पढ़ाएंगे। महाराणा प्रताप ने अकबर को युद्ध में हरा दिया था और उसी सिलेबस से निकले हुए कुछ लोग जब सिनेमा बनाएंगे तो कहेंगे कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को युद्ध में मार दिया था, जबकि इतिहास कहता है कि पृथ्वीराज चौहान 1192-93 के आसपास तराइन के युद्ध के बाद ही मर गए और मोहम्मद गोरी का निधन हुआ 1206 ईस्वी में। इतिहास बनेगा तो इतिहास बदला जाएगा। मेरी चिंता एक विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाले प्रोफेसर के नाते यह है कि हमारी पीढ़ियों को इतिहास जानने से अब रोका जाएगा, उन्हें गलत इतिहास पढ़ाया जाएगा। और इसलिए मैं चिंतित हूं कि भले वो कल को सिलेबस में लगाएंगे, एक गीता का अध्याय लगा रहे हरियाणा में कि अब गीता का अध्याय पढ़ा जाएगा। मैं कह रहा हूं इस देश में अगर सिलेबस में लगाना था तो तुम्हें जाति का विनाश और गुलामगिरी लगाना था, तुमने सिलेबस तो वैसा कभी बनाया ही नहीं। झूठी कहानियां, मनगढ़ंत कहानियां, और उन कहानियों में एक हिस्सा वो भी रहेगा कि एक बच्चा बहुत छोटा सा था, भगवा झंडे से बहुत प्रेम करता था, अचानक देखता है कि तालाब में मगरमच्छ भगवा झंडे को तोड़कर खींच रहा है। वो बच्चा तालाब में कूदकर मगरमच्छ से लड़ता है, भगवा झंडा तो लेकर आता ही आता है, साथ में मगरमच्छ के बच्चे को भी बगल में दबा के ले आता है। वही बच्चा कुछ दिन बाद भारत का प्रधानमंत्री बनता है। आप कल को यही बनाएंगे? आप इस देश में सिलेबस बनाने के लिए, मैं आपसे कह रहा हूं आप हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, मैं हिंदी का पढ़ने वाला एक विद्यार्थी सोचता हूं कि अगर इस राष्ट्र की एक कोई व्याख्या है तो उस सांस्कृतिक व्याख्या में तुमने जब पढ़ाया कि हम तो विश्व गुरु थे, आर्यावर्त थे, जम्बूद्वीप भारत खंडे, मैं आपसे पूछता हूं कि तुम कहते हो ये हिंदू राष्ट्र है, क्योंकि इसी पर तो तुम डिबेट कराते हो रोज। अच्छा एक बात सोचिए, मीडिया की हालत देखिए, एक व्यक्ति आरएसएस का प्रमुख बयान दे देगा कि हम इसे अखंड भारत बनाएंगे तो शाम को मीडिया वाले डिबेट करने के लिए आरएसएस के व्यक्ति को बुला के कहते हैं जरा बताइए आप कैसे बनाएंगे। अरे मूर्खों, तुम तो उन्हें मंच दे रहे हो अपनी बात कहने के लिए, पूरा मंच आपने उन्हें दे दिया, वो अपनी बात कह रहे हैं। कभी हमसे भी कहो कि जाति जनगणना होनी चाहिए तो टीवी पे डिबेट ऑर्गेनाइज कराओ और हमसे पूछो कि जाति जनगणना क्यों होनी चाहिए, एजेंडा वो सेट कर रहे हैं उसमें हमारे मुद्दे ही नहीं है।